आसमान था स्मार्टफोन का जो दुनिया है उसमें, स्मार्टफोन का जो जो वर्ल्ड है उसमें सबसे अच्छा रेवोल्यूशन आया है दोस्तों इस जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, जैसे कि रियलमी 2 एक अच्छा स्मार्टफोन निकला है जो बहुत अच्छा फीचर्स में आता है दोस्तों। तो रियलमी 2 आया है दोस्तों इस ऐसे अगस्त में, अगर अच्छा अच्छा फोन आया तो सेप्टेम्बर में सब दोस्तों बहुत बहुत अच्छा अच्छा फोन आने वाला है, जैसे वीवो ओप्पो का जो फोन आने वाला है, मैंने आप पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ इसके बाद इसके बारे में, आप अगर जानना चाहते तो पीछे जाके वीडियो सब देख सकते हैं, मेरे अपलोड्स में जाके देख सकते हैं दोस्तों। अभी जो जान पाया हूँ मैंने हॉनर का जो हॉनर एक नया फोन लॉन्च करने, हुआवे का जो हॉनर है वो एक नया फोन लॉन्च करने वाला है दोस्तों, हॉनर 8X नाम का एक फोन है वो दोस्तों, वो आने वाला है अगले महीना यानी कि अगस्त में, जैसे अच्छे अच्छे फोन लॉन्च हुआ दोस्तों सितंबर में बहुत अच्छा फोन लॉन्च होने वाला है। ये फोन का जो फीचर्स है वो आपको बहुत अभी भी अनकन्फर्म दिया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो फीचर्स आया है जो फीचर्स ठीक ठाक से कन्फर्म नहीं किया गया है, फिर भी दोस्तों मैं बोलता हूँ ये जो फीचर्स मैं आपको बोलने जा रहा हूँ एकदम परफेक्ट फीचर्स होने वाला है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है दोस्तों क्योंकि अपडेट भी आने वाला है फोन लॉन्च होने के बाद, तब वक्त फोन अपडेट लॉन्च अपडेट आने के बाद वो फोन जो लॉन्च होने वाला है दोस्तों उसमें कुछ नया फीचर्स भी आ सकता है, कुछ कमी भी दूरी हो सकता है, तो इसमें जो भी कमी हो सकता है वो दूर किया जाएगा दोस्तों। तो अभी ऑनर हुआ वही का जो ऑनर है वो 8X नाम का एक मॉडल लॉन्च करने वाला दोस्तों सेप्टेम्बर नेक्स्ट मंथ का, मैं कौन सा डेट में कब लॉन्च होने वाला है कहाँ लॉन्च होने वाला है मैं वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर बता दूंगा दोस्तों, और इसका प्राइस स्पेसिफिकेशन सब मैं अभी बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अब नया हुआ है थोड़ा सब्सक्राइबर चाहिए, अब वीडियो लास्ट तक देखिएगा आपको सब स्पेसिफिकेशन इस फोन के बारे में आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी बग गवाए। दोस्तों हॉनर का जो नया फोन आने वाला है, हॉनर का हुआ वही जो लॉन्च करने वाला है हुआ कंपनी जो हॉनर का जो नया फोन लॉन्च करने वाला है दोस्तों, इसमें बोला गया है दोस्तों इसमें आ रहा है आपको करीब मिल जाएगा आपको 4GB का रैम मिल जा रहा है दोस्तों, और इसके 64GB इनबिल्ट स्टोरेज आपको मिल रहा है दोस्तों, 64GB जो इनबिल्ट स्टोरेज है वो नॉर्मली उसके लिए अच्छा है दोस्तों, आप बहुत सारा मूवीज या गेम्स आप डाल सकते हैं अगर आप गेम्स लवर हो या मूवीज अच्छे देखने पसंद करते हो दोस्तों, जो भी मूवी हो आप ज़्यादा स्पेस नहीं देने वाले दोस्तों। ये फ़ोन आने वाला है दोस्तों, अच्छा दोस्तों इसका जो फ़ोन का जो प्रोसेसर है दोस्तों, इसका प्रोसेसर है 660 स्नैपड्रैगन 660 का SoC आने वाला है, PR लिखा हुआ है दोस्तों। ये अभी बोल रहा है कि अपडेट के बाद ये इसका जो प्रोसेसर का जो पावर है उसको अपडेट किया जाएगा दोस्तों, ये बोला जा रहा है यहाँ पर, अब ज़्यादा कुछ यह बोला नहीं जाए दोस्तों। इसका एक ही वेरिएंट आता है 4GB या 64GB का एक वेरिएंट मिल रहा है दोस्तों, अभी बाकी वेरिएंट का कोई जो डिटेल्स है वो नहीं दिया गया है, कोई स्पेसिफिकेशन में ऐसा कुछ लिखा नहीं गया दोस्तों। इसका प्रोसेसर आता है 1.8GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर और स्नैपड्रैगन, तो मैं बोल ही दिया स्नैपड्रैगन 660 का एकदम 660 विद SoC पेयर आपको मिल जाएगा दोस्तों। स्नैपड्रैगन SoC 660 जो है अच्छा है दोस्तों, फास्ट है इस टाइम में, असल में अगर देखेंगे तो बहुत सारे फ़ोन से कुछ महीने पहले जो लॉन्च है उसका 625 था प्रोसेसर था उसका, उतना फास्ट नहीं था 660 इसमें मिल जाता आपको दोस्तों। अगर इसमें बैटरी की बात की जाए दोस्तों, इसमें 4900 mAh का एक बड़ा बैटरी दिया जा रहा है दोस्तों, 4900 मतलब आप सोचिए 5000 mAh का थोड़ा 5000 mAh से 100 mAh कम बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है दोस्तों। इसमें आपको 3 days का तो आप नॉर्मल यूज़ में 3 days के ऊपर से ज़्यादा बैकअप दिया जा रहा है दोस्तों, यह तो यहाँ पर बोला जा रहा है 4900 mAh बहुत ज़्यादा दिया, कोई भी रेडमी डिवाइस से भी इस फ़ोन में ज़्यादा दिया जा रहा है दोस्तों। इसका जो कैमरा है, इसका जो रियर कैमरा दिया है 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा आपको दिया जा रहा है दोस्तों। हाँ, इसमें बुके मोड भी आपका अवेलेबल होगा, अगर आप बुके वाला पिक्चर जो खरीदना चाहते हैं DSLR आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस फोन से अच्छा ले सकते हो क्योंकि 16+2 मेगापिक्सल कैमरा दे रहा है अच्छा आपको रियर कैमरा की, इससे ज़्यादा आप और क्या चाहिए आपको 16+2 मेगापिक्सल 16 कैमरा। हाँ, अगर फ्रंट कैमरा की बात की जाए दोस्तों, इसमें फ्रंट कैमरा जो दिया गया है फ्रंट कैमरा इसमें मिलेगा आपको 2 मेगा, हाँ डेप्थ सेंसर आपको दिया जा रहा है, और इसमें फ्रंट कैमरा मिलेगा 8 मेगापिक्सल वाला सेल्फी कैमरा दे रहा जा रहा है, इसमें 8 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा है, इसमें सेल्फी कैमरा विथ फ्लैश आ रहा है आपको, फ्लैश लाइट देगा अगर आप लो लाइट फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं लो लाइट में और कहीं पर घूमने जाते हैं लाइट नहीं रहता, तो 8 मेगापिक्सल कैमरा के साथ और फ्रंट फ्लैश के साथ आपको बहुत अच्छा पिक क्वालिटी मिल जाएगा दोस्तों।
अच्छा दोस्तों, इसका जो और कुछ दिया गया, हाँ इसका जो वेट है दोस्तों, इसका वेट दिया गया है 176 ग्राम। दोस्तों इसका जो वेट है इसका 176 ग्राम है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसका वेट थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, अब मुझे नहीं पता क्यों इतना वेट दिया जा रहा है। इसका पूरा जो है, इसका जो पूरा मेटल बॉडी में आता है दोस्तों, और पीछे जो है ग्लॉसी फिनिश में आता है। ग्लॉसी फिनिश आजकल का एक नया जो ज़माना में आ गया है, नया जो स्टाइल और नया जो जो क्या बोला ट्रेंड आ गया है, एक जो पीछे ग्लॉसी फिनिश है, डायमंड फिनिश देखने लगेगा आपको। अगर उसमें लाइट लगता है तो पीछे वो लाइट्स रिफ्लेक्ट करते हैं, इतना सुंदर लगता है फ़ोन। हालांकि हम लोग को सैमसंग या रेडमी का डिवाइसेस में से ऐसा कोई रिफ्लेक्शन के ऑप्शन नहीं मिलता है दोस्तों, फिर भी आप दिया जा रहा है ऑनर। ऑनर का जो पहले बार 7A था उसमें भी दिया गया था, अब 8 में भी दिया गया था, अब 8X जो आने वाला है दोस्तों, ये 8X में भी ऑनर 8X में दिया जा रहा है दोस्तों। दोस्तों इसमें और कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया दोस्तों, इसमें आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर, आपको मिल जाएगा दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर, और फेस अनलॉक इसमें अवेलेबल है दोस्तों, फेस अनलॉक अवेलेबल है। और दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया दोस्तों, इसका जो लॉन्च डे, हाँ इसका और एक चीज़ आपको बताना ही भूल गया दोस्तों, इसका जो स्क्रीन साइज है वो है 7.12 इंच, मतलब आप जान सकते हो कितना बड़ा फ़ोन होगा। इसका साइज थोड़ा इतना बड़ा हो गया टैबलेट की तरह, हालांकि थोड़ा टैबलेट की तरह फ़ोन हो जा रहा है, फिर भी अच्छा। इसका रेजोल्यूशन भी अच्छा दिया जा रहा है, 1080x2244 पिक्सल्स आपको मिल जाता है दोस्तों। ये बहुत शार्प डिस्प्ले है, यानी कि आजकल का जो फ़ोन है उसमें बहुत शार्प डिस्प्ले दिया जा रहा है इस प्राइस रेंज में। प्राइस तो अभी बताया नहीं गया, फिर भी मुझे नहीं पता, प्राइस बता दिया जाएगा। आपको जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं आपको प्राइस सब स्पेसिफिकेशन जब लॉन्च होगा मैं तभी बता दूंगा आपको प्राइस क्या आने वाला है दोस्तों। इसका जो इसमें आपको बहुत शार्प डिस्प्ले मिल जाएगा दोस्तों, यानी कि गेम्स खेलेंगे अगर मूवीज़ देखेंगे तो बहुत बहुत अच्छा क्वालिटी आएगा, क्योंकि इसमें HD+ डिस्प्ले है, क्योंकि ये दिया गया है इसमें शार्प डिस्प्ले दोस्तों। ये जो फ़ोन है वो रन करता है एंड्रॉयड का 8.1 ऑडियो वर्शन में, एकदम नया वर्शन है दोस्तों ये ऑडियो का, एंड्रॉयड का 8.1 में आप ये फ़ोन रन करता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया दोस्तों, और अभी भी लॉन्च नहीं किया, ये सब अनकॉन्फर्म स्पेसिफिकेशन है दोस्तों। मैंने अभी भी स्पेसिफिकेशन चेंज हो सकता है, मैंने जैसे पहले बोला था अपडेट आने के बाद थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, इम्प्रूव कर सकता है दोस्तों, कुछ भी कर सकता है दोस्तों इसमें। अच्छा दोस्तों, इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस रखा गया है, एक्सपेक्टेड प्राइस है 18,999, मतलब आपको 19,000 रुपीज़ में इंडियन प्राइस 19,000 में आपको मिल जाना। हालांकि ये लॉन्च होने के बाद कितना दिन बाद जो इंडिया में आएगा और इंडिया में इसका मार्केट चल शुरू होगा या मार्केट में चलना शुरू होगा ये अभी तक हाला बताया नहीं गया, फिर भी दोस्तों इसका जो इंडियन प्राइस रखा गया है वो है 19,000 रुपीज़, ठीक है। और ये जो लॉन्च होने, हाँ ये आना, इसमें लिखा है स्टेटस है ये अपकमिंग फ़ोन है, अभी तक फ़ोन आया नहीं है दोस्तों। और ये जो लॉन्च डेट है, लॉन्च डेट में आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये फ़ोन जो लॉन्च होने वाला है, लॉन्च होने वाला 5 सितंबर 2018 को। हाँ दोस्तों, 5 सितंबर, मैंने पहली बार जो वीडियो बनाया था उसमें नूबिया का जो Z18 फ़ोन था वो भी 5 सितंबर को चाइना फ्लैगशिप से लॉन्च होने वाला है दोस्तों। पहले नूबिया का जो फ़ोन था वो था Z18 मिनी, पर इस बार जो आ रहा है वो Z18 का एकदम ओरिजिनल वर्जन फ़ोन है। वैसे ही एकदम सेम डेट में 5 सितंबर 2018 को ये जो ऑनर 8X फ़ोन है वो दोस्तों ये लॉन्च करने वाला है दोस्तों। आप देख सकते हो ऑनर, वीवो, नूबिया और ओप्पो का कितना सारा फ़ोन से, मैं पहले भी इन लोगों के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, आप जाके देख सकते हो वीडियो कब लॉन्च होने वाला है सब। मैं जो जो वीडियो बनाया हूँ सब अपकमिंग फ़ोन्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, कि जो आने वाला है दोस्तों मैं पहले से आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये फ़ोन जो आने वाला है 5 सितंबर है, ये सब टाइम जो मतलब 5 और 6 सितंबर ये दोनों डेट में करीब आप जानने में थोड़ा हैरान होगे, पर 3 नया फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं। मैं अभी बोल देता हूँ कौन कौन फ़ोन लॉन्च होगा दोस्तों। ओप्पो का R17 जो फ़ोन है, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, वो लॉन्च होने वाला है दोस्तों। नूबिया का Z18 जो फ़ोन है वो लॉन्च होने वाला है दोस्तों, और ऑनर का जो 8X फ़ोन है वो भी लॉन्च होने वाला है दोस्तों। अब अगर आप चाहें तो इन तीनों फ़ोन्स का जो प्राइस स्पेसिफिकेशन है वो बहुत अलग है एक दूसरे से। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्राइस में आ रहा है वो है ऑनर, ओप्पो का जो R70 है दोस्तों, इसमें तीन फोन्स में सबसे ज़्यादा प्राइस में आपको लॉन्च होने वाला है। अब पता नहीं ऑनलाइन मार्केट में कम आएगा, अगर आएगा भी तो आपको वो फ्लैश सेल के बिना ये फ़ोन सब नहीं मिलने वाला, फिर भी आप चाहते हैं तो ये फ़ोन खरीद सकते हैं दोस्तों। ये फ़ोन का जो लुक है बहुत अच्छा लगा मुझे, इसका जो बैक पैनल जो है बहुत दोस्तों बहुत सुंदर है, और ऑनर का हर फोन आप देखेंगे तो ऑनर का ऐसा ही लुक देता है दोस्तों। इसके कलर के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर दोस्तों ऑनर ब्लू और ब्लैक दोनों कलर्स में लॉन्च करने वाला है दोस्तों ये फ़ोन को। अगर आप लेना चाहते हो तो ज़रूर ले सकते हैं, 19,000 प्राइस है, उतना ज़्यादा भी नहीं है तीन फ़ोन के कंपेरिजन में, नूबिया हो या ओप्पो हो या
तो ऑनर 8X हो, ऑनर का जो भी हुआ हुई का ऑनर जो 8X है, इसमें प्राइस कंपेरिजन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप अगर लॉन्च होने के बाद अगर आप कुछ इसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगर आप नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, वीडियो देखने के बाद ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मैं अपकमिंग जो फ़ोन आने वाला है मार्केट में उसके बारे में मैं आपको ऐसे ही पहले पहले वीडियो बनाकर बता देता हूँ दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों देखने के लिए।